अच्छा अच्छा लोग पढ़ लिख के न कोनो नौकरी न कोनो धंधा न कोनो रोजगार कुछ भी नहीं। मोगी जोगी नहीं लोगन बढ़िया बाड़ा। विधायक विधायक हुआ चुनाव आई तो माई बहन कर आई है फिर सपनों में न देखा। पूछिए कोई कभी यहाँ पे पैर ही नहीं रखे, बस वोट मिला यहाँ से गायब। महादेव भैया, उम्मीद है कि आप सब एकदम चौचक भौकाल होंगे। आज हम फिर आ गए आपके पास लोगों के साथ, लोगों के दिल की बात को लेकर के। रुकिए, हम बता देते हैं कि आज हम कहाँ हैं, तो सुनिए जरा गौर से सुनिएगा भैया। आज हम आए हैं कहाँ, बनारस के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में, रोहनिया विधानसभा के भुल्लनपुर रुद्रपुर गाँव में। यहाँ जब आई तो हम देखने की भैया दोपहरिया का समय हो गया है, सवेरे का बन गया है नाश्ता, दोपहरिया का बन गया है भोजन। अब भोजन कैले के बाद भोजन के डाइजेस्ट भी तक करे के चाहिए। अब बात मन यदि महिलाओं का हो जाए तो भैया बिना गलचौरा यानी कि बिना बकैती के कैसे खाना डाइजेस्ट हो। तो हम आयल रहनी देखने की गाँव में महिलाओं का चौपाल लगत रहे, जहाँ लोग कहीं मेहंदी लगवावत रहन तो कहीं फलाने के बात करत रहन। तो हमहूँ आगे नहीं लगवावे लगनी मेहंदी, और एक साथ ही हम सोचने कि यहाँ महिलाओं से बतिया लेवल जाए कि भैया अब के चुनाव में उनके दिल में का चलत बा, 2022 में वो का चाहत है, और अब की कौने सरकार के मोहर लगा के जितावे का इरादा बा। तो चला शुरू करी महिलावन के साथ और उनसे बतियाई। तो भैया देख ले हमरो मेहंदी लग गए एकदम चौचक भौकाल, तो मेहंदी तब हम लगवा लेनी, हमरे हाथ पे लाली भी आ जी, लेकिन हम जनता से जानब कि उनके दिल में अब की कौन सी लाली बा। कैसन है नम्मा महादेव? ठीक है भाई। काहे इतना उदासल है? ठीक है भाई, भौकाल चौचक ना है ना ही नहीं। हमने कहा आजकल घर घर का स्थिति नहीं सही चला, तो काम धंधा होते ना है तो कहाँ से सही रहे। सरकार तो कहत रहे नौकरी दे देली, कौन नौकरी, लइकन का काम बंद बा, नौकरी कौन काम करिहन। अनाज अनाज राशन पानी कुछो ना मिलत है? अनाज तो मिलत है, बिना बोरन का कैसे खवाई। सरकार सब्जी दाल इतना महंगाई के 200 रुपया किलो तेल भैल बा, 100 रुपया किलो दाल भैल बा, सब्जी भी इतना अब महंगा, थोड़ा सा सस्ता है भैल, तो जरूर तेलवा चाहिए, दलिया चाहिए, तब तो बोरन रोटिया। मतलब महंगाई माना जिंदगी के एकदम नरक बना दे ले। लागत है अम्मा आपकी के ले आवे वाली है? अब जेके आप लोग सोचे जा, थोड़ा सा सपोर्ट करत जा, आप बतावल जाए आपके दिल में का बा, के पसंद करत है? योगी जी अच्छा लगत है, अखिलेश भैया अच्छा लगत है, प्रियंका दीदी अच्छी लगत है, या फिर मायावती जी? थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग करत जी बा, केकरे प्रति चलल जा, का कहते हैं? भौजाई दुखौता न हुए उनका न दुखात बाड़न, अरे न केहू के न घर बा, न केहू के दुआर बा, न केहू खैले खैले के मरत बा, केहू खैता खैता मरत बा, यह कुल तो बात बा, कौनो चीज का दुख, कौनो चीज का सुख सुविधा नहीं बा। आ मोदी जी तो देत हन बहुत कुछ, लेकिन तो हमने के कुछ मिलता ना बा। अब की केकरे ओरी जाए का इरादा बा, के अच्छा लगे तौने ओरी जनता चली तौने ओरी। अरे आपो तो जनता है भौजाई, बहुत डिप्लोमेटिक बात बतिया रही है भाई। अच्छा के अच्छा लागत है? योगी जी अच्छा लागत है, अखिलेश भैया अच्छा लागत है, या दिया वो दिया मोगी जोगी नहीं लोगन बढ़िया बाण। मतलब अब की केकरे साथे जाए का इरादा बा? जेकरे साथे जनता चली वही साथे हमनो चलल जाए। आपो तो जनता है, आप बताएं, अरे काहे इतना उदासी, आप केकरे साथे चली? बहुत ज्यादा है उदासी बा, तनी मनी उदासी तो हाव नहीं भाई। देख लीजिए भाई, यहाँ के सरकार और विधायक लोगों से हम कह दें भौजाई उदास रहेंगी तो फिर वोट की उम्मीद मत रखिएगा। अच्छा ये बताएं विधायक जी कब हुआ गए रलन की ना? विधायक जी कौन? विधायक नहीं। जी आपके क्षेत्र में जो विधायक? नहीं नहीं नहीं, विधायक जी की पहचान है नहीं? नहीं हमने तो कभो जब जीतलन था कभो मिले अइबे ना कैलन, तो चीनी सब कहां से? मतलब विधायक जी कभी ना आए? जब आइतन बतैतन अपन पहचान तब तो हमने तब हो जाए। विधायक जी का चेहरा वेरा पहचान है नहीं? नहीं दीदी हम लोग तो नहीं, तो हम लोग तो देखा तो इतना दिक्कत में हम लोग को कोई योजना नहीं मिलत बा। भौजाइयों की बात इतनी निराली है भैया कि आदमी एकदम सोच में पड़ जाएगा कि भौजाई चाहत का है। एकदम मेहंदी मेहंदी लगा के एकदम लल्लन टाप दिख रही है भाभी। वो तो है ही, आज मैं क्या करेंगे, खाली टाइम में मेहंदी नहीं लगेगा। गुलाबी गुलाबी रंग की साड़ी, गुलाबी गुलाबी मुस्कुराहट है, जान ले लेगी, बड़ी शानदार मुस्कुराहट है। क्या लग रहा है अब की क्या सोचती है? हम तो क्या सोचे, जनता परेशान है, लोग देख के सब हैरान है कि जनता के लिए कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, और क्या कोई योजना आ रहा है तो जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है। सरकार तो कह रही है तमाम योजना पहुंचा दी,
योजना आ रहा है तो पास आए तब ना, गांव में आए तब ना, अगला दूसरे किसी को मिले तब ना, ऊपर वाले ही खा के। अच्छा, राशन राशन मिल रहा है कि नहीं? राशन बस मिल रहा है मैम, और क्या मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, राशन पानी तो मिल रहा है, विधायक जी आते वाते हैं, चेहरा वाला दिखे हैं? किसी से पूछिए, कोई कभी यहाँ पे पैर ही नहीं रखे, बस वोट मिला यहाँ से गायब। तो क्या लगता है विधायक जी नाराजगी राजकीय है? अब जब वोट लेना था तो नहीं थे, अब जीत गए तो नाराज किस बात के हैं? उनको तो क्या लगता है अब की विधायक जी किसका किसको वोट देने का इरादा है? अब देखिए किसको वोट दिया जाएगा। क्या सत्ता से खुश है भौजी, परिवर्तन चाहती? क्यों नहीं, सब चाहते हैं कि परिवर्तन हो सब। तो भौजी परिवर्तन के रूप में हमारे इतनी खूबसूरत भौजाई देखती किसे है? किसको देखें, यहाँ तो इतने लोग हैं कि जो अच्छा काम करेगा उसी को सब देखेंगे। क्या लगता है, बाबा अच्छे लग रहे हैं, भैया अच्छे लग रहे हैं, बुआ अच्छी लग रही, दीदी अच्छी लग रही? नहीं, लग रहे हैं तो बाबा ही है। मोदी ही अच्छे लग रहे हैं, इतना भी पहले से बहुत परिवर्तन हो गया है, कम से कम साफ सुथरा हो गया है बनारस, गंगा जी इतना स्वस्थ हो गई है। लेकिन महंगाई कहाँ है? महंगाई इतना ज्यादा है, बस यही दिक्कत है। नहीं नहीं तो से बतिया चार जितन का सुना 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 नाराजगी कौन है बात ये बतावा कि का दिक्कत होत है? दिक्कत यह है मैडम, हमार तो सोच विचार है कि जब तलक जिया मोदी सरकार तब तलक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन हमनों का गरीबी देखा सुना तब कहलम तो हम तो गरीब के भी बात सुना थी, सबकर साथ सबकर विकास का बात कर, तो हमने के लगवा कौनो चीजिया आवत हो? हाँ मोदी सिलम तो राशन दे देली, गैस सिलेंडर दे देली, शौचालय दे देली, आवास दे देली, महंगाई मुफ्त में दे देली। आवास हमने के ना मिलल, आवास फवास ना मिलल मैडम। हाँ हाँ मोदी सरकार ई देले हुआ कोटा का राशन एक बार फ्री का पाइला, सच्चाई बोलत है। हाँ, हाँ, एक बार पैसा का पाइला, अगर इतना न देले होतन तो चटनियों रोटी खाइले बिना हमने मर गई। तो का लागत है कि अब की का देखतिन, के देखतिन, केकर सरकार आवे, का चाहत? हमार तो विचार है कि मोदी सरकार हमेशा रहा, लेकिन हमहन का समस्या देखते हुए। अच्छा विधायक जी बताएं, विधायक जी कबू हाल चल ले? नहीं नहीं भैया, विधायक विधायक हुआ चुनाव आई तो माई बहन कर आई है, फिर सपनों में न देखा। काजा जी का हाल चाल बा? कुल सही बा, का लागत था अब की का देखा दिन के करे तरफ जाए का इरादा बा? अरे जे बढ़िया काम करी ओकरे तरफ का लागत है? चाची के का लागत है के बढ़िया काम करे था? सरकार बदल जा, बढ़िया जे काम कर वही के हमने कहो। का लागत है, कुछ बढ़िया लगत है सरकार में? जे सब मार पलटी जाई ओहर आदमी जइबा करी। चाची कौन तरफ जाई है? अरे वो तो बतिया कहा था कि जे बढ़िया काम करी करे कुरतर जा। अच्छा योगी सरकार बढ़िया काम करे था कि ना? का बढ़िया करे बहन, गरीबी दूर करे के तो गरीबी लग जात बा, मतलब लगातार गरीबी बढ़ाते। भैया देखिए हमारे साथ यहाँ युवा पीढ़ी मौजूद है, अब गांव में औरतें थोड़न बकैती करती हैं, लड़कियां भैया हम भी बतियाते हैं भाई, हमारे लिए भी गल चौरा जरूरी है, हम इनसे जानते हैं कि क्या चाहती हैं। क्या नाम है? नाम वंदना यादव है। वंदना जी, यादव जी भी हैं, अब की का लग रहा है, के का तरफ जाने वाली हैं? नहीं देखिए टाइटल की वजह से तो किसी संस्था के आगे नहीं, सॉरी किसी मतलब ऐसे बीजेपी या फिर सपा किसी के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे। हम तो ये चाहते कि बस जो हमारा गांव है, जो भी हमारा देश है, वो हमेशा विकसित विकासशील रहे, हमेशा मतलब जो भी सरकार आए वो हमेशा कुछ न कुछ नया करे। आप चूंकि यहीं के स्थानीय हैं, युवा भी हैं, युवा के नज़रिए से बात कर लें, क्या लग रहा है, क्या कुछ आपके गाँव को मिला और युवाओं के लिए क्या कुछ बेहतर रहा? देखिए युवाओं के लिए तो हम सबसे पहले की योजना तो बहुत अच्छी अच्छी आती है, जैसे कि यहाँ पे लेडीज़ महिलाएं भी कह रही हैं, लेकिन असल बात ये है कि मेन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो वहाँ से आता तो है लेकिन हमारे पास आ नहीं पाता है। सबसे मेन बात ये है, देखिए हम यहाँ से जा रहे हैं लेकिन हमारा वो जो पर्पस, जिस पर्पस के लिए वो मोदी सरकार मोदी जी जो भी हैं हमें वहाँ भेज रहे हैं, लेकिन हमें वो मेन चीज़ ये है कि हमें मिलना चाहिए। सुविधाओं की दरकार है, सत्ता ठीक है या परिवर्तन? परिवर्तन चाहिए। विधायक जी को कितना नंबर देंगे उनके रिपोर्ट कार्ड का? विधायक जी तो भैया क्योंकि आज तक विधायक जी को हमने देखा ही नहीं है। 10 में से कितना? बिल्कुल भी नहीं, एक परसेंट दे दे। मतलब एकदम नाराज के, यहाँ और भी लड़कियाँ मौजूद है, हम जरा पूछ लेते हैं विधायक जी को कितना नंबर जाएगा। मैम देखे ही नहीं तो कैसे मैम बता सकते हैं कि नाराज के? यहाँ और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, विधायक जी को कितना नंबर देंगे, 10 में से कितना नंबर? 0। जीरो कहाँ लिए? हम देखे नहीं है कभी और मिले भी। विधायक जी को कितना नंबर देंगे? जब हम देखे नहीं तो हम बताएं कैसे कि कितना। क्या लगता है विधायक जी कितना काम किए, रिपोर्ट कार्ड पे 10 में से कितना नंबर? कोई नंबर नहीं दिया जाएगा क्योंकि कभी आज तक वो दर्शन ही नहीं दिए, जीतने के बाद वो पता नहीं कि किस दुनिया में चले गए। मतलब भाई विधायक जी से भयंकर नाराजगी है, विधायक जी को 0 नंबर।
विधायक जी को कितना नंबर दीजिएगा? जीरो नंबर मेरे तरफ से, जीरो। कहां भौजी इतना नाराज है? बिल्कुल, जब आज तक सकल ही नहीं देखे तो उनको नंबर किस बात के? वोट लेने तो भौजी के साथ बहुत अच्छे से आते हैं कि हमको वोट चाहिए, और जब वोट लेके जाते हैं तो भौजी के सामने कभी नहीं आते हैं। भौजी कह रही है वोट चाहिए तो भौजी बहुत बढ़िया। वोट चाहिए तो भैया हमको वोट दीजिएगा, हम आपको ये सुविधा कर देंगे, वो कर देंगे, क्या किए हैं? अच्छा बताइए, कुछ नहीं। जैसे भयंकर नाराज। ये देखिए भौजी है, इन्हीं के साथ हम बातचीत की अपना अंत भी करेंगे। भौजी मेहंदी जो है एकदम लल्लन टॉप लगवाई हुई है। अच्छा भाभी ये बताइए, 10 में से विधायक जी को रिपोर्ट कार्ड पे कितना नंबर? जीरो नंबर मिलेगा उनको। अभी काहे इतनी नाराजगी है हो? क्योंकि कभी उनका शक्ल ही नहीं यहाँ पर आया, कुछ करने के नाम ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, हमेशा अभी बदलाव चाहती हैं कि नहीं? नहीं, हमको मोदी जी चाहिए। राज्य में योगी जी पसंद है? ठीक है, दुश्मन के लिए तो बहुत अच्छे हैं वो। मतलब योगी जी अच्छा। अच्छा भौजी को महंगाई कैसी लग रही है? महंगाई से ही थोड़ा दिक्कत है सब जनता लोग के। भौजी क्या चाहती है? विधायक जी से तो मानी, विधायक जी फेल, सरकार के लिए भौजी क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि सब दुख जो गरीब लोग हैं उनके दुख दूर करें। देखिए भैया आज हम आए थे यहाँ महिलाओं के बीच में, महिलाओं की चौपाल में उनसे बातचीत करने के लिए, और उनके दिल का हाल जान लिया। कहा भौजी बहुत नाराजगी है? बहुत की। अच्छा अच्छा लोग पढ़ लिख के, न कोनो नौकरी, न कोनो धंधा, न कोनो रोजगार, कुछ भी नहीं। अब तनिका ये मोहल्ला के जातीय समीकरण के बारे में बता दी ये विधानसभा क्षेत्र के। तो भैया जो रुद्रपुर गांव है, यहाँ ब्राह्मण, हरिजन और पटेल तीन जो है महत्वपूर्ण जाति के लोग रहते हैं, इनका जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन हम ब्राह्मणन का बात कर ले तो ब्राह्मण और हरिजन दोनों यहाँ जो है पावरफुल स्थिति में रहते हैं, उन्हीं इन्हीं का जो वोट है वो यहाँ सत्ता के गद्दी प्रदान करता है। यानी कि यदि जौने और यहाँ के हरिजन और ब्राह्मणन का वोट चल गल भैया, वह पार्टी का यहाँ पे नैया पार होता। तो ये तो जान लेला आप यहाँ का जाति समीकरण, यहाँ के महिलाओं के दिल का भी बात जान लेला कि विधायक जी के प्रति कितनी नाराजगी है, अब की परिवर्तन चाहते हैं या फिर सत्ता से खुश हैं। तो आज के चुनावी चर्चा में भैया बनारसी दीदी के साथ बस इतना ही। हम फिर आपसे मिला ऐसे ही कौनो एक चुनावी चर्चा के लिए, ऐसे ही कौनो दिल का बात लेकर के गर्मा गर्म मुद्दा के साथ। तब तक के लिए भैया हर हर महादेव।